सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक कौशिक को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरे पास आ गया है MI का Redmi Note 4 जो कि MI ने नया लॉन्च किया है और मैं आपको इसके रिव्यू और थोड़े कंटेंट्स के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक कौशिक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम इसके कुछ कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिस्प्ले, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको मिल जाता है यहाँ पे स्क्रीन साइज 5.50 इंच का और रेजोल्यूशन मिल जाती है 1080 और 1920 पिक्सल्स का और स्टोरेज मिल जाती है आपको 64 GB जो कि काफ़ी है आपके लिए और प्रोसेसर मिल जाता है 2 GB GHz ऑक्टा कोर और रैम मिल जाती है आपको 4 GB जिससे आपका ये जो फ़ोन का प्रोसेसर है बहुत तेज़ चलेगा और रियर कैमरा है इसका काफ़ी बढ़िया जो कि है 13 MP और फ्रंट कैमरा भी थोड़ा कम है MI थोड़ा अगले फ़ोन में ठीक डालना तो यह 5 MP और OS है एंड्रॉइड 6.0 जो कि है मार्शमेलो। तो इसके बाद बैटरी कैपेसिटी पे आते हैं जो कि एकदम हाई क्वालिटी की है, वो है 4100 mAh की और इसकी रिलीज डेट थी अगस्त 2016 और फॉर्म फैक्टर था टच स्क्रीन और डायमेंशन है 151.00 × 76.00 × 8.30 और आपको वेट मिल जाता है काफ़ी हल्का जो है 175 ग्राम और बैटरी कैपेसिटी जो कि मैंने आपको बता दी है जो 4100 है और ये इसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं और इसमें आपको कलर्स मिल जाते हैं गोल्ड, ग्रे, मैटे, ब्लैक। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लीक फ़ोन है ये। तो हम बात करते हैं इसके कैमरा की, तो आप इसका कैमरा देख सकते हैं कितना काफ़ी बढ़िया, आप इस पर किसी भी फोटो पे फोकस कीजिए तो। और इसका फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं तो ये भी काफ़ी बढ़िया है और अब मैं आपको बात करूँगा इसके फिंगरप्रिंट लॉक की। तो अगर आपको फिंगरप्रिंट लॉक रखना है तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना होगा और नीचे लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाना होगा। तो अब आप मैनेज फिंगरप्रिंट्स पे जाएं और अपना, तो हमें जाना होगा अब ऐड फिंगरप्रिंट पे और यहाँ पे अपना पासवर्ड फिर से लिख दीजिए जो कि मैंने अभी लिख दिया है और ये जो पीछे एक फिंगरप्रिंट का सेंसर है इस पे दबाइए और इसको जब वाइब्रेट हो तब हटा दीजिए। तो इस ये सब करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी वॉइस क्वालिटी जो कि है इसमें डॉल्बी एडम्स जो कि एक क्लियर वॉइस स्पीकर्स होते हैं तो मैं आपको इसकी वॉइस दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वॉइस कितनी बढ़िया है और आपको मैं बताऊंगा इसकी फ्लैश लाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसकी फ्लैश लाइट जो है वो बहुत ही ब्राइट है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो इस फोन के ऊपर और प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।